आचरण से मैं वो यहां पर बता रहा हूं, समुद्री सफर जो होता है ना, दूसरे सफर की बनिस्बत डिफिकल्ट मुश्किल होता है। एंड नो गारंटी ऑफ नेचर, नेचर की कोई गारंटी नहीं होती है। अचानक समुद्र में तूफान आ जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, या बहुत बादल फट जाए तो बहुत ज्यादा पानी समुद्र में गिरे, जहाज डूबने का खदशा होता है, तो सी वेज जो है वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी, बिकॉज नो वन कैन टेल व्हाट प्रॉब्लम विल बी ऑक्यूर्ड। सफर में हम कह नहीं सकते कि कौन सा मसला, कौन से प्रॉब्लम हो जाए, क्या मामला हो जाए, ये हम वसूख से नहीं कह सकते। Why we should have alternatives in the journey? हमारे पास सफर करने के बहुत सारे alternative options होते हैं। कार से सफर कर सकते, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, पानी की जहाज से, बहुत सारे हमारे पास alternatives होते हैं। समझ में आए बच्चों? उसके बाद यहाँ next question है, एक छोटा सा पहले ग्राफ लिखा हुआ है, उस पर से कुछ सवालात हैं और उसके जवाब हमको लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन स्कॉलरशिप में लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश में आते हैं बच्चों। एक शॉर्ट पैराग्राफ रहेगा, वो जो बगौर पढ़ेगा, ध्यान से पढ़कर समझेगा, वो बच्चा बराबर तमाम सवालों के जवाब सही से आकस करेगा। तो ये जो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको हमको पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसके सवाल के जवाब हम देखेंगे बच्चों। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है, इसके ताल्लुक से मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये आज जो मैं पढ़ाया हूँ, इसको बेहतर से बेहतर तौर पर समझे होंगे। और यहाँ बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, आगे का पार्ट मैं अगले हिस्से में बताता हूँ बच्चों, है ना। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तमाम बच्चे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।